हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो हम इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अब तक हमने एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है एंड उस पर ओवरव्यू ले लिया है। एशियंट हिस्ट्री के बाद हम दिल्ली सल्तनत में हैं, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत में। तो सर, सो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी देखी, खिलजी डायनेस्टी देखी। अब खिलजी डायनेस्टी के बाद हमारा जो नेक्स्ट डायनेस्टी आया था वो है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है ना। तो अब तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर जो थे, ठीक है ना, वो गाजी मलिक, जिन्होंने अपना टाइटल लिया था गयासुद्दीन तुगलक से, ठीक है ना। तो जब खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी 1316 में उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके सक्सेसर उतने स्ट्रांग हो नहीं पाते, तो उनका फिर डायनेस्टी उतना चल नहीं पाता, ठीक है ना। उसके बाद 1320 एडी में गवर्नर ऑफ जो पंजाब, जिनका नाम गाजी मलिक था, ठीक है ना, वो एक ग्रुप ऑफ नोबल्स को लेकर के आते हैं और दिल्ली पर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर मैंने बताया गयासुद्दीन तुगलक जो थे उनका रियल नेम गाजी मलिक था, बट उन्होंने अपना जो टाइटल था वो गयासुद्दीन तुगलक कर दिया था और तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, ठीक है ना, फाउंड किया था। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि तुगलक डायनेस्टी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी पर फ्रेंड्स, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी जो थी, द तुगलक वेयर मुस्लिम फैमिली, ठीक है ना, जो तुगलक थे वो मुस्लिम फैमिली थे ऑफ तुर्क रीजन, ठीक है ना। द डायनेस्टी रीच इट्स जेनिथ पॉइंट बिटवीन बिटवीन 1830 एंड 1335 व्हेन मैन मोहम्मद बिन तुगलक लेड मिलिट्री कैंपेन, ठीक है ना। जो तुगलक थे वो मुस्लिम फैमिली के थे, ठीक है ना, और जो डायनेस्टी थी वो अपना बहुत ही अच्छा मेन पॉइंट पे, जेनिथ पॉइंट पे कब आता है, 1330 एंड 1335 में, जब मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना मिलिट्री कैंपेन कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो तुगलक प्रोवाइडेड द थ्री कंप्लीट रूलर, ठीक है ना, जो तुगलक थे उनके पूरे डायनेस्टी में तीन बहुत ही मेजर रूलर रह चुके हैं, गयासुद्दीन तुगलक जिसको हम गाजी मलिक, जिनका नाम गाजी मलिक था, ठीक है ना, ये फाउंडर रह चुके हैं तुगलक डायनेस्टी के। उसके बाद उनके सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक एंड द लास्ट फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, ये तीन मेजर रूलर है उसके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो रूलिंग पीरियड रहता है वो आपको रहता है 1320 से 1325। मैंने बताया 1320 में वो दिल्ली पर आते हैं ग्रुप ऑफ नोबल्स को लेकर के और थ्रोन पे कैप्चर कर लेते हैं, है ना। तो उसके जो गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर वो गयासुद्दीन तुगलक रहते हैं, ठीक है ना। इस उनके जो फादर रहते हैं वो तुर्क रहते हैं, बट उनकी जो मदर रहती है वो पंजाब की जट वुमेन रहती है ना। तो और ही ब्रॉट बंगाल, उत्काला और उड़ीसा एंड वारंगल अंडर हिज कंट्रोल। उन्होंने वो बंगाल को, उत्काला को और वारंगल को अपने कंट्रोल में ले आते हैं, अंदर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है ना। इन 1325 एडी गयासुद्दीन वाज क्रश्ड टू डेथ व्हाइल अटेंडिंग एन इवेंट ऑफ हिज विक्टोरीज इन बंगाल। इन 1325 में गयासुद्दीन की मौत हो जाती है जब वो किसी इवेंट में गए होते हैं, ठीक है ना, वहां पे बंगाल में उनकी वहां मौत हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जूना खान जो क्राउन प्रिंस रहते हैं वो उनको सक्सेड करते हैं, ठीक है ना। जूना खान जिनका नाम लेटर, मतलब जिन्होंने अपना मोहम्मद बिन तुगलक टाइटल लिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो रूलिंग पीरियड रहता है वो 1325 गयासुद्दीन की डेथ के बाद से ही और 1361 तक में रहता है, ठीक है ना। तो जूना खान सक्सीडेड हिज फादर इन एडी 1325। वो अपने फादर को सक्सीड करते हैं 1325 में, ठीक है ना, अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। जूना खान जो जब सक्सीड करते हैं अपने फादर को, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल लेते हैं, ठीक है ना। He knew both Arabic and Persian, ठीक है ना, वो दोनों ही लैंग्वेज, दोनों ही चीज जानते थे, अरेबिक भी एंड पर्शियन भी, ठीक है ना। एंड हैड अ कम्प्रेंसिव नॉलेज ऑफ फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस, ठीक है ना। और उनको कंप्रेसिव नॉलेज भी था फिलोसफी पे, एस्ट्रोनॉमी पे, लॉजिक पे, मैथमेटिक्स पे एंड फिजिकल साइंस पे, ठीक है। तो
टू फिल द एम्प्टी ट्रेजरी ही रेज द टैक्सेस इन दुआब रीजन, ठीक है ना, मतलब अपने उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे अपने ट्रेजरी को भरने के लिए, अपने उसको क्या कहते हैं, अपने संपत्ति को भरने के लिए उसको उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिया था, ठीक है ना। ही इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम, उन्होंने कॉपर करेंसी सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक डोमेस्टिक पॉलिसी वेर गुड, ठीक है, उनका जो डोमेस्टिक पॉलिसी था मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत ही अच्छा था, पर ड्यू टू फॉल्टी इम्प्लीमेंटेशन मेजर दे फेल्ड। उनका जो डोमेस्टिक पॉलिसी था बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ गलत इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, है ना, उनका जो ये मेजर्स था वो फेल्ड हो गया था, ठीक है ना। इन AD 1351 सुल्तान वॉज अटैक विद अ फीवर वाइल चेजिंग द रिबल इन सिंध, ठीक है ना। 1351 में सुल्तान एक फीवर हो जाता है, ठीक है ना, वाइल चेजिंग द रिबल्स सिंध, ठीक है, रिबल्स को पकड़ने के लिए सिंध के पास, ठीक है ना, एंड डाइड नियर, वेट अ सेकंड, यस, इन 1351 सुल्तान वाज अटैक्ड विद अ फीवर वाइल चेजिंग द रिबल्स इन सिंध, ठीक है ना। रिबल्स को पकड़ने के लिए उनको अटैक आता है फीवर का, ठीक है ना, पकड़ते टाइम पे, ठीक है ना, एंड डाइड नियर तट, और वो तट के किनारे ही मर जाते हैं, डाइड मर जाते हैं, ठीक है ना। चीफ इलेक्टेड हिज कजन फिरोज तुगलक टू बी द नेक्स्ट सुल्तान, जो उनके चीफ होते हैं, ठीक है ना, उनके कजन, किसके कजन को, मोहम्मद बिन तुगलक के कजन को, जो फिरोज तुगलक है, ठीक है ना, उनको नेक्स्ट सुल्तान अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है ना, उन्होंने अपना जो कैपिटल था वो दिल्ली से शिफ्ट कर देते हैं देवगिरी पे, ठीक है ना। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दिल्ली से अपना कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं देवगिरी के लिए, ठीक है ना, और सबको मतलब कि फोर्स करते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर देते हैं कि वहां पे सब लोग शिफ्ट करें। उसके बाद फिर से वो सबको कुछ डिफिकल्टीज आने के बाद वो वापस से सबको ऑर्डर देते हैं दिल्ली शिफ्ट करने के लिए, फिर से वो दिल्ली को कैपिटल बना देते हैं रिटर्न करने के लिए। तो मतलब ये लोगों को पहले दिल्ली से देवगिरी के लिए बोलते हैं, फिर देवगिरी से दिल्ली के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ सिस्टम था उनके टाइम पे। तो अब नेक्स्ट क्या था, फिरोज तुगलक अपॉइंट हो जाता है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिरोज तुगलक पे देखते हैं, ठीक है ना। तो फिरोज तुगलक जो थे वो गयासुद्दीन के जो भाई थे उनके बेटे थे, ठीक है ना, वो उनको सक्सेस करते हैं, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर बनते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो रूलिंग पीरियड रहता है वो 1351 टू 1388 तक में रहता है, ठीक है ना, और वो 46 के एज पे राजसिंहासन पे बैठते, ठीक है ना, थ्रोन पे बैठते। ही विथड्रॉ ऑल एग्रीकल्चरल लोन ग्रांटेड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, वो जितना भी एग्रीकल्चरल लोन था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने ग्रांट किया था उन सबको विथड्रॉ कर देते हैं। ही रेज द सैलरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है ना, वो रेवेन्यू ऑफिसर की सैलरी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ही कंस्ट्रक्टेड 150 इट्स नॉट शोइंग यस ही कंस्ट्रक्टेड 150 वेल्स, 100 ब्रिज एंड 50 डैम्स एंड ऑल्सो डग मेनी इरीगेशन कैनल। वो बहुत कुछ करते हैं अपने टाइम पीरियड में, ठीक है ना। 150 वेल्स यानी 150 कुआं, 100 पुल, ठीक है ना, और 50 डैम बिल्ड करते हैं और इरीगेशन कैनाल्स भी बनाते हैं, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड टाउन लाइक फिरोजाबाद, हिसार, जूनापुर एंड फतेहबाद, ये सब सिटी भी बनाते हैं, टाउन भी बनाते हैं, ठीक है ना, फिरोजाबाद, हिसार, जूनापुर एंड फतेहबाद भी करते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल, जिसको उस टाइम पे दूर उल शफा कहा जाता, दर उल शफा कहा जाता था हॉस्पिटल, ठीक है ना। मैरिज ब्यूरो, दीवानी, एक कहरत, है ना, एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, ठीक है ना, इन सबका भी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। ही डिवास्टेड द जगन्नाथ टेम्पल एट पूरी, ठीक है ना, वो जगन्नाथ टेम्पल को मतलब कि डिवास्ट कर देते हैं, मतलब तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, द तुगलक डायनेस्टी वुड नॉट सर्वाइव मच आफ्टर फिरोज खान, ठीक है ना। जो तुगलक डायनेस्टी थी, जैसे मैंने बताया, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर रह चुके थे, ठीक है ना, वो तीन मेजर रूलर थे, गयासुद्दीन, ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह,
ठीक है ना। तो उसके बाद इन तीनों मेजर रूलर्स के बाद जो इनके सक्सेसर रहते हैं, फिरोज शाह के सक्सेसर रहते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते नहीं है कि ये डायनेस्टी फिर ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाती है, ठीक है ना। द मालवा, गुजरात एंड सरहद यानी जूनापुर किंगडम्स ब्रोक अवे फ्रॉम द सल्तनत। ये जो फिरोज शाह के डेथ के बाद मालवा, गुजरात और सरहद, ये जो प्लेसेस रहते हैं, सिटीज रहती है, वो इस सल्तनत से अलग हो जाती है, बट जाती है, ठीक है ना। अब फिरोज के शाह के सक्सेसर कौन कौन थे, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक शाह टू, अबू बकार शाह, ठीक है ना, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है ना, ये उनके तीन सक्सेसर रहते हैं। और क्योंकि ये इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं तो इनके पास इनका मेंशन उतना हम लोग उनके बारे में उतना मेंशन कुछ किया नहीं गया है हमारी हिस्ट्री में। और फिरोज शाह एक तरह से लास्ट रूलर रहते हैं, इम्पोर्टेंट रूलर रहते हैं। तो अब इसके बाद इनके बाद जो हमारी इनकी तुगलक डायनेस्टी थी वो मतलब डिक्लाइन करती है। तो क्या क्या रीजन रहता है डिक्लाइन का, द सक्सेसर वेयर नॉट वेरी स्ट्रांग एंड कॉम्पिटेंट, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। बाय द एंड ऑफ 14th सेंचुरी द मोस्ट ऑफ द टेरिटरी बिकम इंडिपेंडेंट। मैंने बताया है ना कि कौन कौन से, मालवा, गुजरात, सरहद, ये सारे ही इनसे अलग हो जाते हैं, है ना। तो टेरिटरी जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, ठीक है ना। बट कुछ रहती है इनके अंडर में, जैसे कि पंजाब एंड दिल्ली इनके अंदर में ही रहती है, ठीक है ना। उसके बाद तैमूर्स इन्वेंशन आता है और तुगलक डायनेस्टी के पीरियड में, ठीक है ना। और तैमूर इन्वेंशन मतलब एम्पायर आगे चलता है, ठीक है ना। तो वो फ्रेंड आपको ये वीडियो तुगलक डायनेस्टी पे समझ आई हो, ठीक है ना। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, हमारी सैयद एंड लोधी डायनेस्टी की तरफ। तो हो फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।